अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा शो ज़्यादातर टिकटॉक के बारे में होता है। टिकटॉक क्यों है, टिकटॉक क्यों बनाते हो यार आप लोग, टिकटॉक में ऐसा क्या है, और उससे हट के सोशल एक्टिविटीज़ पर भी डिस्कशन होती है। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका भी ताल्लुक टिकटॉक की दुनिया से भी है, टिकटॉक का शौक़ भी रखते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। एज अ डॉक्टर उन्होंने काफ़ी काम किया, अपने फ्लड में भी हमारे काफ़ी लोगों की हेल्प आउट की और काफ़ी कैंप्स पे बैठे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे सिंध में, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो बग़ैर मतलब भी लोगों के काम आते हैं। जो कि मैं अपने शो पे यही कहूँगी, सिंध गवर्नमेंट उस टाइम बिल्कुल सोई हुई थी, अभी जाग लगी है थोड़ी बहुत उनको कि हमें कुछ करना था। अब तो खैर वो ये कहती है, अरे हमें तो पता ही नहीं था सैलाब आने, पता तो किसी को भी नहीं होता, तैयारियाँ लेकिन करनी चाहिए। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे डॉक्टर अदनान इस्माइल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। थैंक्स फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, कहाँ से तशरीफ लेकर आ रहे हैं इस टाइम? मैं रहीमर खान से आया हूँ, पंजाब से। जी पंजाब। अच्छा, आप बिलोंग वहाँ से करते हैं? जी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, रहीमर खान। सही सही, रहते कहाँ हैं आप? इधर कराची में रहता हूँ, आज आया हूँ हैदर भाई के पास। अच्छा, हैदर भाई के पास आए हैं। कराची में आप क्या अभी क्या कर रहे हैं इस टाइम, क्या मसरूफियात चल रही हैं? सूफियात पहले ये चाइनीज़ों के साथ काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट था उधर, एज अ डॉक्टर थे। बाबा सही, हम सिंधी लोग हैं, चाइनीज़ नहीं बोलेंगे, चाइनीज़ बोलेंगे। नहीं चाइनीज़ तो अभी वहाँ थोड़ा प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है, तो अभी इधर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम लिया है डिफेंस में, माशाल्लाह। तो वहाँ विजिट कर रहे थे, बस आज ऐसे याद किया मैंने, हैदर भाई को बोला कि तारा रारा को मिलना है, बिग फैन है आपके। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, मोहब्बत है, नहीं तो आजकल के दौर में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं, टिकटॉक ऐप के बारे में क्या कहेंगे? देखा है आप भी टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस टिकटॉक यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक पे आजकल रिपोर्टें बहुत लग रही हैं, टिकटॉक पे वीडियो भी नहीं बनाते। ये रिपोर्ट मारने वालों को तो मैंने हाथ भी बांधे यार, नहीं मारा करो, बड़ी मेहनत करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाहर धूप होती है धूप में जाके वीडियो बनाते हैं, सर्दी होती है सर्दी में निकलते हैं, और हर हाल में हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं, फिर भी आप लोग रिपोर्ट मार के हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देते हो। ये चीज़ उनको नहीं पता ना, उनको पता हो तो पता चले। और इसमें खर्चा भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनकी सोच से भी ज़्यादा। पेट्रोल डलता है, फिर बाहर जाते हैं, नए कपड़े लेते हैं, अच्छा दिखना होता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने टिकटॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट किया इस टाइम? पैसा बहुत, बस यारी दोस्ती में टिकटॉक ये वो, बहुत पैसा। फिर भी आपको मुझे लगता है रिस्पॉन्स नहीं दिया टिकटॉक वालों ने, बस जस्ट शौकिया यानी कि टिकटॉक बनाते थे। पहली कौन सी वीडियो थी जो आपकी वायरल गई थी? मेरी एक वीडियो थी उधर ही अपने गाँव की थी, उस पर 63K लाइक आए थे, उसके बाद ही मेरा अकाउंट रिपोर्ट हो गया था, उसके बाद अभी तक यानी कि अकाउंट नहीं चला। नया अकाउंट बनाया आपने? नहीं नया नहीं बनाया। तो नया बनाया, उस पर वर्कआउट करें? नहीं बस अब दिल टूट गया टिकटॉक से। वो कहते हैं ना, इंसान जहाँ से गिरता है उसका मतलब है वहाँ से उसकी शुरुआत है, अब वहीं से उसने आगे बढ़ना है। तो मैं आपको ये कहूँगी आप दोबारा टिकटॉक बनाएं और दोबारा काम करें, आपके जो रियल फैंस हैं ना वो आपको जानेंगे। बिल्कुल। और वो आपको, आपकी जितनी आईडीज हैं आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन बनाते हैं अकाउंट, बनाते हैं, बाकी आजकल इंस्टा पे बैठे हैं, इंस्टा पे आपको अक्सर देखते रहते हैं। क्या देखते हैं इंस्टा पे आप? इंस्टा पे आप लाइव आती हैं अब ज़्यादातर, यानी कि इंस्टा पे शौक हो गया, इंस्टा ही यूज़ कर। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका, मेल फीमेल? मर्द, मर्दाना जनाना दोनों बता दे। जनाना तो आप बैठी हैं तारा रारा। ओके हो गया। और मर्दाना? मर्दाना यार कपड़े थोड़ी ले रहे, मर्दाना जनाना चल रहा है। मेल और फीमेल? मैंने मेल और फीमेल, अली हैदराबादी। अली हैदराबादी, उसमें ऐसी क्या उसकी वीडियो आपको अच्छी लगी जो आप उसको लाइक करते हैं? उसकी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी जिसमें वो फेमस हुआ था, वॉक वाली। जी ऐसा क्या, ऐसे तो वॉक आप भी कर लो। नहीं फिर आप भी कर लो, वीडियो तो नहीं होती ना, लेकिन उसका फेमस साल वही वीडियो पसंद आई उसकी, उसके बाद ही मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया। जब आप यहाँ आके बैठ रहे थे तो आपको किसी ने बोला ये बड़ी दुखी सीट है, इस पे बंदा कंफ्यूज होता है, और आज इस टाइम मुझे लग रहे हैं कैमरे के सामने। नहीं मैं असल में फर्स्ट दफ़ा बैठा, मेरा फर्स्ट नहीं, फर्स्ट दफ़ा की बात नहीं है, वो बंदा अपनी जगह राइट था। नहीं जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात, ऐसे बैठे ड्राइंग रूम में बैठा, अच्छा ठीक है जाहिर सी बात है, बात तो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
यार जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताओ, जिंदगी में किस चीज का शौक है, इन फ्यूचर क्या करना है, क्या बनना है आगे, डॉक्टर के अलावा क्या करना है, क्या मसरूफियात होती हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्या पूछूं? आप जो सवाल पूछेंगे उसी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड हैदर है, हैदर अली दिल। हैदर अली, हैदर की क्या बात अच्छी है, क्या बात बुराई है? हैदर में इखलाक बहुत है, इखलाक मोहब्बत, इखलाक मोहब्बत। हाँ बिल्कुल। और बुराई? बुराई ये है कि ये फोन उठाता है और बात नहीं करता, म्यूट पे लगा देता है, म्यूट पे लगा देता है। क्यों? अच्छा वो कहीं होता है ना, कोई बैठा होता है बड़ा बंदा है। ये बात है, लेकिन ये आदत इसकी खराब है। और मुझे तो घड़ी घड़ी वॉइस करता है। आपको करता है? हमारा तो कॉल भी नहीं उठाता। अच्छा ये हैदर सुधर जाओ, कॉल उठाया करो दोस्तों की, ऐसे नहीं किया करो। मैंने पारत कर दी आपकी वजह से, करती नहीं हूँ, कर दी है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि रहीम यार खान की क्या चीज़ फेमस है? हमारे कैफे सजावल के पेड़े मशहूर है रहीम यार खान। वो तो घोटकी के नहीं है? नहीं, कैफे सजावल रहीम यार खान। अच्छा इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। सही है, अभी वैसे ही भूख लगी है, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया, आप पेड़ों का नाम ले रहे हैं। इंशाल्लाह खिलाएंगे आपको। डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी फ्लड आया था मैंने आपको देखा, इसमें आपने बड़ा काम किया, बड़ा वर्कआउट किया, तो इसमें आप क्या कहेंगे सैलाब में आपने जो कैंप्स लगाए उसके बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में? दरअसल मैं देखा था उस टाइम मेरी बेसिकली ड्यूटी थी चाइनीज़ों के साथ, तो सिंध के काफ़ी दोस्त थे, कुछ चांडिया कास्ट के थे, काका कास्ट के थे, इनने कैंप लगाया था। इनने मुझे कॉल की कि डॉक्टर साहब आप अगर टाइम दें तो हमारे पास हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट आ रहे हैं ये वो, आप अपना यानी कि मेडिसिन वगैरह ये ले आएँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ देख रहा था काफ़ी, यानी कि जो भी आ रहे थे ना फ्लड रिलीफ से, उनको इतनी शिद्दत ज़रूरत थी ना, हर चीज़ की नीड थी। फिर उधर मैं खुद ही यानी कि बैठ गया, ड्यूटी चाइनीज़ों के साथ छोड़ के वहीं बैठ गया। फिर हमारे साथ एक डॉक्टर बीडी साहब थे, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उनकी थी SSND कोई यानी कि अपनी तंजीब, उनने बड़ा तामन किया मेडिसिन के हवाले से। फिर हमने बहुत कैंपेन की, कैंपेन में कम से कम 100-1000 के बहु पेशेंट देखते थे। फिर हमने क्या किया, हर संडे को यानी कि कैंप रखते थे लड़काना तक, हमने ये काम किया जितना हो सका भी उनके साथ। तो इसमें जब आपने इन चीज़ सोशल चीज़ों में आपने हिस्सा लिया, तो आप क्या कहेंगे हमारी गवर्नमेंट को? क्योंकि एक इंसान जब ख़ुद सोशल चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, निकलता है, काफ़ी कुछ देखता है, जिसमें हमारी फोर्सेस का भी मुकाबला करता है, हमारी कुछ फोर्सेस होती हैं जिन्होंने ये कहा भाई आपने कैंप्स क्यों लगाए हैं, किस वजह से लगाए हैं, जिसमें मैंने देखा क्योंकि हमसे भी आके फोर्सेस वालों ने सवाल किया भाई आपके पास कोई NGO या क्या है, तो आपने हर चीज़ को फेस किया होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दोस्त थे उनने बिल्कुल फेस किया, हमारे पास भी है, हम वहाँ कैंप पर मैं खुद भी बैठा था, खुश सोच के वो कह रहे थे कि भाई ये आप यानी के साथ हर चीज़ इमदाद ये वो फंडिंग करके आप अपने घर ले जाते, लेकिन हमने दी बिल्कुल। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हमारी बहुत थी, हमने एक पेज बना लिया, यानी कि डेली बेसिस पे जितनी फंडिंग तकसीम कर रहे थे उस पर पोस्ट करते थे जितना हो सका। काफ़ी दोस्तों ने आगे, यानी कि सिंध के काफ़ी दोस्त थे, उन्हें सोर्स किया था, जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, सुनने वालों को? मेरा यही मैसेज है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सो तो नहीं गए? नहीं नहीं सोया नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। और खुश रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।